हेलो दोस्तों, तो ये देखिए आज हमारे पास आ चुका है डॉम्स का X1 बॉक्स, जो सब कहते हैं कि मेरे दोस्त की वो अच्छा है, तो मैंने इसे परचेज किया और ये मेरे को 150 रुपीस का पड़ा। ये देखिए यहाँ पर रेट भी लिखा है। ये मेड इन इंडिया है दोस्तों। ये देखिए 125 रुपीस, और ये दुकानदार ने पैकिंग रेट थोड़ा ज़्यादा लिया तो ये 150 का पड़ा मेरे को। तो अभी हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए यहाँ पे पुल लिखा हुआ है, देखते हैं इसको पुल करने से क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, ये देखिए दोस्तों हमने इसे पुल किया तो ये आगे वाला ओपन हो गया। अब इसको निकालते हैं। ओ भाई, इसका आगे वाला लुक तो बहुत शानदार है। सच मेरे शायद दोस्त मेरे सब सच कहते थे, ये बहुत अच्छा है। अब इसके अंदर और कुछ रह गया जो आवाज़ कर रहा था। ओ, इसके साथ ये भी मिलता है फ्री में। ये देखिए शायद इसी का रेट पड़ा होगा हमको। ये देखिए, या फिर ये फ्री में भी मिल सकता है। इससे आप अपने हैंड राइटिंग को अच्छे से और अच्छा बना सकते हैं। तो अभी हम इस बॉक्स को खोल के देखते हैं। इसका खोलने का सिस्टम भी अच्छा है। इसके अंदर मेरे को बस एक ही चीज़ चाहिए इसके अंदर, और वो है मैकेनिकल पेंसिल। अगर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं भी मिल जाए तो भी अच्छा है। अभी इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर का लुक भी बढ़िया है। इसके साथ हमको एक इरेजर मिलता है, ये देखिए, जो कि अच्छा है, मुझसे निकला नहीं जा रहा। और एक अच्छा कटर भी मिलता है जो ग्लास के स्टाइल का है। ये देखिए, इससे आर पार देखा जा सकता है। और क्या मिलता है? ये प्रोटेक्टर, जिसका यहाँ पे कट मारा गया है। ये देखिए मेरी उंगली आर पार हो गई। अच्छा, और दोस्तों ये इसका डिजाइन तो बहुत ही अच्छा है। और ये क्या है? हाँ, ये भी हमको मिलता है। इसका डिजाइन भी बहुत अच्छा है। आगे की तरह बहुत प्लेन है, लेकिन पीछे की तरह ये वाला डिजाइन रफ है, जिसको ऐसे करने से ऐसे ऐसे साउंड होता है ना, वाइब्रेशन वैसे। और ये हमको एक स्केल मिला है जिसमें भी ऐसे डिजाइन है, बिल्कुल नया। अब हम जो नए स्केल में रेनबो देखते हैं ना, मैं इसमें रेनबो देखता हूँ और बोलता हूँ कि आपको ये कैसा है। हाँ दोस्तों, इसमें अच्छा रेनबो, बहुत अच्छा रेनबो दिखता है। ओ भाई, इसका कंपास का डिजाइन तो जरा देखिए। जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को मिल गया। ये देखिए, इसमें मैकेनिकल पेंसिल भी है, और वो भी कुछ अलग ही डिजाइन में। अरे भाई, रिफिल। ओ नो, बड़ा डिफीट मार गया। इसने पेंसिल तो दे दी पर रिफिल नहीं दी। खैर, मैं रिफिल खरीद लूंगा। अब कंपास को निकालते हैं। वाओ, ये कंपास तो बढ़िया है। क्या ये प्लास्टिक का है? तब तो ये जल्दी ही टूट जाएगी। नहीं, ये प्लास्टिक का कैप है जी। हाँ जी, अच्छा है। ये देखिए, मैंने इसे निकाल दिया। बहुत ही जाऊची खतरनाक है ये, बहुत ही खतरनाक कंपास है ये। डिवाइडर में भी हमको वैसे कैप देखने को मिल रहे हैं। डिवाइडर का डिजाइन भी अच्छा है, टेढ़ा मेढ़ा डिजाइन, जो हमको एक ग्रेट लुक देती है। कैप शायद मैकेनिकल पेंसिल का रिफिल इसके नीचे दिया होगा। देखते हैं जी। रुकिए दोस्तों, इसको निकालने का जगह भी नहीं दिया हमको, यहाँ से निकालना पड़ेगा। इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है जी। अब देखिए, तो आपने जैसे कि देखा, इसमें बहुत सारी अच्छी ऐसी चीजें हैं, बस एक रिफिल नहीं दिया। और भी एक डिफिट है, इसमें नॉर्मल पेंसिल नहीं दिया। खैर, हम मैकेनिकल पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। देखते हैं मैकेनिकल पेंसिल का नीब कितना मोटा है। दिख तो नहीं रहा ज्यादा मोटा।
तो ये चलिए देखिए दोस्तों, बस इतना ही मोटा है इसका रिफिल, इसका ज़्यादा मोटा नहीं है। तो मैंने इसे अभी बंद कर दिया जी। जी ये डॉम्स कंपनी का है, बहुत अच्छा पड़ता है ये, आपको सिर्फ आपको 150 रुपये पड़ेंगे, पैकिंग के 25 रुपीज आपको पड़ेंगे, वरना अगर आप डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीद सकते हैं तो आपको ये मिल सकता है। आप पैकिंग के जगह से अगर खरीदेंगे तो आपको ये 125 में मिल जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।